चलिए। और देखिए लक्ष्मी को, लक्ष्मी एकदम खुश हो गई है मेहमान घर आके। ये गर्दन टूट गया है तो उसी का जो है ये लगला हमने। हाँ, देखिए यहीं पर टूट गया है। 15 कहाँ गया टूटलो? तो फुआ जी के लिए हम लोग लाए हैं दोस्तों, संदेश लेकर के आए हुए हैं। अब हम इनके विदा पानी रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का समय है और हम लोग सुबह ही नहा धो करके फ्रेश हो गए दोस्तों। उसके बाद में देखिए सभी को हम लोग सज धज के रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों कहीं पर, और हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग को सब चीज दिखाएंगे और बताएंगे भी कि हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं, है ना जी? तो अभी हम लोग फिलहाल निकलते हैं फटाफट, क्योंकि काफी समय हो गया है, क्या जी? हाँ जी। चलिए फटाफट चलते हैं। और अभी दोपहर का समय का मौसम देखिए दोस्तों कैसा कर दिया है। ये देखिए पूरा एकदम फ्रेश धूप उगा हुआ है और एकदम बिल्कुल शांत एकदम लग रहा है, क्या जी? एकदम हवा भी नहीं चल रहा है। हाँ, ऐसा कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा है। देखिए पहाड़ों साइड से भी हवा नहीं आ रहा है। और देखिए हम लोग स्कूटी वगैरह सब निकाल लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग। यहाँ पर झोला को टांग देते हैं, देखिए चाबी भी लगा हुआ ही है यहीं पर। अब चलते हैं, बैठते हैं जी। हेलमेट 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 छूट गया, नहीं हेलमेट ला दीजिए। और इधर देखिए माँ आ गए हम लोग को विदाई करने के लिए। जाएगा। हाँ बढ़िया से जाएंगे। और लक्ष्मी दादी को नमो नहीं करेगी? जा नमो करो। बाय बाय। बाय बाय कर दे रही है लक्ष्मी ना, बाय बाय करेगी अभी। अब चलते हैं दोस्तों, गाड़ी घुमाते हैं और इधर से ही निकलते हैं। देखिए कविता जी भी आ गए हेलमेट लेकर के। हाँ हाँ ठीक है। चलो बैठो 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 बैठो। हाँ बीच में बैठो, बीच में। हाँ आराम से। ठीक है माँ, हम लोग निकलते हैं। ठीक ठीक चलिए, बाय बाय। हम निकल गए घर से। हाँ अब हम लोग सीधे चलते हैं दोस्तों। हम लोग चौक पे कुछ हम लोग कुछ सामान ले लेने वाला कुछ सामान ले लेंगे उधर उधर, उसके बाद में सीधे हम लोग चल जाएंगे। क्या? हाँ अभी हम लोग चौक पहुँच गए दोस्तों। अब चलते हैं यहीं पर हम लोग कुछ ले लेते हैं, हल डाल हल ना लेंगे। चलिए इधर लीजिएगा, उधर है फल दुकान। ले लीजिए, क्या लीजिएगा? अंगूर ले लीजिए और अनार। अच्छा और अंगूर? अंगूर 100, अनार 80। अच्छा ठीक है, बढ़िया देख करके ले लीजिए, है ना? दोनों ले लीजिए। बड़ा वाला उधर होगा जी अंदर में, बड़ा वाला मांगिए ना। तो अंगूर और अनार ले लिए दोस्तों, चलिए जी उठाइए, हो गया ना? तो मेहमानी के लिए अंगूर और अनार ले लिए दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग, फटाफट निकलते हैं, झोला में डाल देते हैं। तो फल सबको झोला में डाल दिए दोस्तों, अब सीधे निकलते हैं हम लोग फटाफट। चलिए जी बैठिए। तो अभी शाम हो चुका है दोस्तों, और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत जगह पे रुके हुए हैं। और हम लोग कौन सा जगह पे रुके हुए हैं दोस्तों आप लोग को लोकेशन दिखाते हैं। आप लोग लोकेशन देख करके जान ही गए होंगे कि ये कौन सा लोकेशन है और कहां पर अभी हम लोग खड़े हैं। देखिए रजरप्पा धाम में अभी हम लोग खड़े हैं, और अभी हम लोग को यहाँ से और आगे जाना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का ना मतलब रिलेशन घर जो जाना है वो रास्ता इधर से जाता है। इसलिए हम लोग सोचे कि यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा ले लेते हैं रजरप्पा धाम का।
तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन अब हम लोग चलेंगे क्योंकि काफी शाम हो गया है। अब बेरा डूबने ही वाला है, डूब ही गया। अब उधर लाली देना शुरू हो गया है, देखिए उधर पहाड़ साइड में सूरज भगवान चले गए हैं, लाली होते हुए उधर टूट जाएंगे। तो अब हम लोग निकालते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को यहाँ से लगभग जो है 15 से 20 किलोमीटर आगे जाना है, क्या जी? चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में चल ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि रात हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, भाई सर और एकदम यहाँ पर टूट गया है ना, हो जाता है। इस तरह से एकदम प्लेन रोड रहेगा ना तो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, लेकिन कहीं कहीं टूटा फूटा मिल जाता है। देखिए सामने में एक तो बस्ती दिख रहा है, पता नहीं ये कौन बस्ती है, लेकिन हम लोग को ये बस्ती से भी आगे जाना है। तो जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों अपने रिलेशन के यहाँ। देखिए यही है हम लोग का मेहमान घर, देखिए उधर लोटा पानी लेकर के खड़े हैं। चलिए चलिए, देखिए ये रहा हम लोग का मेहमान घर, और देखिए लक्ष्मी को, लक्ष्मी एकदम खुश हो गई है मेहमान घर आके। क्या जी? मामी घर आया है। हाँ, मामी घर आई है ना। हाँ चलिए लो पानी पियो लक्ष्मी, मामी घर का पानी पियो, ठंडा ठंडा पानी, पूरा प्यासे थी शायद। तो हाथ मुंह धो लिए दोस्तों, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं इधर, चेयर लगा हुआ था बाहर में आंगन में, तो यहीं पर अभी ठंडा ठंडा हवा का मजा ले रहे हैं और बैठे हुए हैं आंगन में। और इधर देखिए लक्ष्मी और कविता जी आंगन में यहाँ पर खड़ा होकर के मजा ले रहे हैं इधर। क्या नहीं बैठना है आप लोग को? बैठना है। हाँ बैठिए। तो फाइनली हम लोग मेहमान घर आ गए दोस्तों, और अभी हम लोग रामगढ़ के एक गांव में हम लोग आए हुए हैं, रामगढ़ के करीब ही ये गांव है, तो वहीं पर अभी हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग इसलिए आए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कविता जी के फुआ का जो है यहाँ पर कुछ डैमेज हो गया है, ये टूट गया है, ये गर्दन टूट गया है, तो उसी का जो है देखने, हाँ उसी का इलाज वगैरह हो गया है, तो हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं, है ना जी? तो देखिए हम लोग सभी को आ गए हम लोग कविता जी के फुआ को देखने के लिए, और लक्ष्मी की नानी, ना जी? हाँ देखिए पूरा एकदम यहाँ पर अनजान टाइप का इसको लग रहा है, इधर उधर देख रही है। देखिए वो हुए कविता जी के फुआ जी, नमो करो नानी नानी नानी, ये लग रहा हमने। देखिए यहीं पर टूट गया है, अब उसी का पूरा एकदम पट्टी वगैरह बांधा हुआ है, तो अभी खोलना नहीं है इसको, अभी खोलने नहीं बोलना हमने। अच्छा कते दिन है लोन? पंद्रह दिन। अच्छा कहाँ गया है सर? टूट लो, कहाँ गिरी गया है? अच्छा आप बैठा, तब इधर ही बैठते हैं। आवा बैठा, बैठा नहीं आवा। अच्छा धो ला। और कविता जी के फुआ का घर देखिए दोस्तों, ये रहा खपरा का घर, और इधर है छत वाला घर, यानी दो तरह का घर है। और देखिए आंगन में ही चापाकल का व्यवस्था किया गया है, और यहाँ पर बोरिंग भी डाला गया है, यानी कि यह जेट पंप डाला हुआ है मशीन, और इसी से पानी भी चढ़ता है ऊपर, यानी दोनों काम साथ में हो जाता है। यहाँ पर अगर लाइन नहीं रहा तो चापाकल से पानी निकाल करके अपना यूज कर सकते हैं, और लाइन रहा तो फिर यहीं से मशीन से पानी चढ़ जाता है छत के ऊपर में। इस तरह सब व्यवस्था कर दिए हैं, बढ़िया बना दिए हैं। और देखिए ये हुए कविता जी के भाभी जी, उधर देखिए अपना खाना पीना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इधर देखिए कविता जी अभी अपना फुआ घर आ गए, तो यहाँ पर खटिया वगैरह निकाल रहे हैं, है ना जी? आराम करना है, बैठना। अच्छा चलिए, हम लोग का गांव देहात में यही सब बढ़िया लगता है दोस्तों, आराम से बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं, एकदम पूरा आरामदायक है खटिया वगैरह, इसीलिए हम लोग गांव देहात में बहुत ज्यादा यूज करते हैं खटिया का। क्या चलिए अच्छा है। छोड़ी दहाग नहीं, इसी बैठ हुई था। आओ लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी कुर्सी में नहीं बैठ रही थी, लेकिन खटिया में आते ही पूरा एकदम इसको खुशी लगने लगा, आराम से बैठ गई। क्या लक्ष्मी? देखिए उधर से कविता जी मेदरा भी लेके आ गए।
बिछाने के लिए। छोड़ दीजिए ना जी, हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, साइड हो जाओ लक्ष्मी, बिछाने दो बस। बस तो फुआ जी के लिए हम लोग लाए हैं दोस्तों, संदेश लेकर के आए हुए हैं। हम लोग रोटी वगैरह तो नहीं बनाने सके, हम लोग फल वगैरह ले लिए और फुआ जी को देखने के लिए आ गए। इनके साथ में बहुत ही दुखद घटना हुआ है, अचानक गिर गए रोड पे ही, तो पूरा एकदम ये वाला ना पूरा एकदम टूट गया है, तो उसी से पूरा एकदम इनको दिक्कत होता है, एकदम हाथ वगैरह उठाने नहीं सकते हैं ना। हाथों नहीं उठो ना, नहीं हाथों नहीं रहो ना, अब तो नहीं जूटे में तो टाइम लगता है तनी। अब हम इनके विदा पानी रहे, अब समय में राय थे तो राय तो नहीं है, ठीक है समय में आएगी मैं छा में। तो हम लोग को सुबह जाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन देखते हैं अभी भैया जी नहीं आए हुए हैं, तो वो गए हुए हैं काम पे, तो अभी काम पे छुट्टी होगा कब उनका, फिर कब तक आएंगे, और नहीं मिल के जाएंगे तो फिर उनको भी खराब लगेगा, इसीलिए सोच रहे हैं कि मिल ही लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे, अगर समय बचेगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो सुबह निकलेंगे, क्या जी? हाँ देखिए, इधर याद करते करते भैया जी भी आ ही गए, इधर कहाँ काम करा है? अच्छा मोहटा, अच्छा तो काम सभी आ गए, ठीक है समय में भेंट हो गया, अब बिड़े पानी लेंगे और निकलने की तैयारी करते हैं, क्या जी? भेंट तो जल्दी हो गया यार, हो कर दिया सेटा ना जी भैया, जब से नहीं निकला ये जब किधर करवागा, अब भेंट आए के लिए राय थे चले तो नहीं जाए के लिए, राय कम नहीं आएगी, घर। तो हम लोग को नाश्ता पानी करते करते रात हो गया दोस्तों, तो अभी नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, तो अब चलते हैं, स्कूटी को अंदर घुसा देते हैं बोर्डरी के अंदर, क्या जी? बाहर में खड़ी है तो उसको अंदर कर देते हैं। देखिए पहले का गेट ऐसा होता था, लकड़ी वाला एकदम, भाई ये सब मजबूत होता है, घुसाते हैं। तो गाड़ी साइड में खड़ी कर दी है दोस्तों, देखिए उधर और एक गाड़ी खड़ी है, ये दादाजी का है, तो यहीं पर खड़ी कर दिए हैं, अब चलते हैं। खाना पीना शायद बन गया है, खाने के लिए बुला रहे हैं, तो अब चलते हैं दोस्तों, अब बैठते हैं। लक्ष्मी देखिए सो गई ना लक्ष्मी, चलो उठो 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 उठो, तो अब चलते हैं दोस्तों, खाना पीना शायद बन गया है, खाना पीना खाते हैं, है ना जी? हाँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल बनाए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।